बस करो सर। अरे साले उठ उठ। दुश्मनी मुझसे है, उनका क्या कसूर है? तेरी मेरे को बहुत जरूरत है। और इनकी भी मेरे को बहुत जरूरत है। यह इनका कसूर है। क्या है ना, वो एसीपी का बहुत टेंशन है। सर, आपसे मिलने एक छोकरी आई है। साहब, मेरे भाई को पुलिस वालों ने पकड़ लिया साहब, उसका क्या कसूर है साहब? क्या नाम है तेरे भाई का? अभी, और उसके साथ उसके तो दोस्त भी हैं साहब, हरी और गोलू। वो तेरा भाई है? ये कौन है? अन्ना का राइट हैंड वामन राव। बस समझाया ना रे, ना मत रे मत, अन्ना से डबल क्रॉसिंग मत कर। नहीं माना, निकल गई सारी चरी। आया वो तात्या बचाने। नहीं ना, ए हरी इधर। क्या हुआ करीम भाई? ये कल अपने पीछे वाली बीच पे क्या हुआ मालूम है? क्या क्या हुआ? कल पुलिस ने दो गुंडों को घेर कर हथियार डालने को बोला, लेकिन उन्होंने तो उल्टा पुलिस पर ही फायरिंग किया। मजबूरी में पुलिस ने फायरिंग शुरू किया और वो दोनों एनकाउंटर में मारे गए। काय की मजबूरी करीम भाई, बेचारे लोगों को भगा भगा के मारा। अबे आस्था बोल आस्था, किसी खबरी ने सुन लिया ना तो पुलिस यहाँ पर आ जाएगी और तेरे साथ मेरे को भी भगा भगा कर मारेगी। ओ हरी भाई, क्या है? गोलू भाई बोला कि गैराज पे फटाफट चार कटिंग लेके आने का। ए, घोड़े पे बैठ के आया क्या? फटाफट लेके आने का बोल, बाद में लेके आ रहा है। मेरे को क्या है, मत लाओ। लाल गाड़ी वाली आई है गैराज पे। क्यों हरी भाई, बजना घंटी, अब चलता हूँ मैं। ए, सुन सुन बोल, अभी लेके आ रहा हूँ मैं। मिल गई फुर्सत तेरे को आइला, तू तो बड़ा चालू है रे। ए गोलू किधर है? गाड़ी भी नहीं दिख रही लिए। कौन सी गाड़ी? लाल गाड़ी, चुन्नू आके बोला के आई ली है। ओ वो तो मैंने तेरे को चाय लाने के लिए बोला था, थैंक यू। मैच मिला तेरे को, आज के बाद लाल गाड़ी बोल पीली गाड़ी बोल, चाय लाने वाला नहीं मैं। अरे सुन, आज लाल गाड़ी में नहीं, इस गाड़ी में आई है। मैडम चाय। हुँ? मेरे लिए? हाँ। So nice of you. Hey baby, ये घटिया चाय पीना मत। अरे स्पेशल चाय मंगता है तो पी के देखो। हम लोग 2 रुपए वाली घटिया चाय नहीं पीते, हम तो 5-स्टार होटल की 100 रुपए वाली पीते। हाँ। ए, करंट लगे ले पीस। तेरी 5-स्टार होटल की चाय में ऐसी क्या खास बात है जो अपुन की चाय में नहीं है? उसमें विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, सी माय बॉडी ऑलवेज मेंटेन। अबे कितने साल से वो चाय पी रहे ला तू? 10 साल से पीती हूँ, पीता हूँ। फिर तो पीना छोड़ दे। वो क्यों? अरे वो चाय क्या जिसमें न्यूट्रिशन है, एक्शन है, इमोशन है, फिर भी तेरे को मर्द नहीं बना सकी। मैं भी है। अरे मैडम इसकी बातों में बताइए,
स्पेशल चाय मैं खुद बनाया आपके लिए। तब तो मैं जरूर पीऊंगी। ले तू भी पी ले, इसे पी के जरूर मर्द बन जाएगा तू। ले लो ना वासु बेबी प्लीज। मैडम आपकी गाड़ी ठीक हो गई। थैंक यू। थैंक यू। चली वासु। या ये ले चक्कूस। तेरी तो आओ सब हटा हटा। चलो बेबी बाय। आई ला लड़की जब मुस्कुरा के बाय बोलती है तो कितना अच्छा लगता है ना। चल बे सपनों की दुनिया से बाहर आ जा और होटल में जाके कप सौसर दो जा। अभी बेटे बेटे खाना लगा दो तेरे लिए। नहीं रे आई भूख नहीं है, चाय बना देना। कैसी है आई? अरे तुम लोग भी आ गए, बैठो मैं तुम्हारे लिए भी चाय बनाती हूँ। क्या रे अभी आज नाके पे गाय को नहीं आया तू? हम लोग कब से तेरी राह देख रहे थे। मन नहीं कर रहा था। जी करता है सर पुर्दु। हाँ तो फिर भागते फिरना गली गली जान बचाने के लिए। मार मार के मार ही डालेगा ना, एक ही बार मारेगा ना। इसकी बहन का बोल, चायला रोज एक मौत देता उसको। पागल हो गया तू? तेरे को मालूम है भुल्लर कौन है? वामन राव का खास। अब वामन राव अन्ना का दाया। तेरे को मालूम है अन्ना कौन है? मुंबई का बाप। पर लोग कुछ नहीं उखाड़ सकते उसका। काओ। रात को गोदी में पकड़ा था बामन के छोकरों ने इसे, कार्गो के जहाज में छुप के भाग रहा था अन्ना। यो अन्ना, अन्ना मुझे माफ कर दो अन्ना, अन्ना मुझसे गलती हो गई अन्ना, अन्ना। वो दोनों को भी तू ही भड़काया नारे। अन्ना अन्ना गलती होगी मुझसे। अरे गलती गलती क्या करता है, वो दोनों तो मर गया ना। तात्या का बात सुन के पीछे से मेरे को मारने को देखता। अरे उसको भी मैंने ये दुनिया दिखाया रे, मैं ही उसको आदमी बनाया। इतना छोटा था, पाकिट काटता था, आज मेरा गला काटने को देखता। और मेरा आदमी होके तुम लोग उसका साथ देता। अन्ना अन्ना भटक गया था मैं अन्ना। ये भटक भटक के सब तात्या बनने को देखेगा तो कैसा चलेगा। जीने का है तो एक चांस बोलो अन्ना। तात्या किधर मिलेगा? अन्ना अन्ना वो तो दुबई भाग गया अन्ना। अन्ना अन्ना मुझे माफ कर दो अन्ना, मुझे माफ अन्ना, मुझे माफ कर दो अन्ना, मुझे माफ कर दो अन्ना, एक बार माफ कर दो अन्ना, सिर्फ एक बार। ऐसी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी अन्ना। एक बार माफ कर दो अन्ना, एक बार माफ कर दो। किया मेरे कबूतरों को वापस बुला, फिर किया ले बुला बुला। आएंगे ना, आएंगे बुला बुला। आओ 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 गो 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 गो।
मजा आया अन्ना? वो अपना बालू का फोन आया था। कौन? ओ नेता, क्या बोलता है वो? बहुत टेंशन में वो अन्ना। पॉलिटिक्स में जाएगा तो टेंशन नहीं होएगा। जिसका साथ बैठ के खाना खाता उसके इस पीठ के पीछू गाली देता। साला तुम लोग नहीं जाना रे, अच्छा लाइन नहीं रे, वो आदमी का आत्मा मर जाता। लेकिन अन्ना क्या टेंशन है उसको? एक विकेट गिराने का अन्ना। वो बोलता है नोट देगा। बोल उसको वामन से बात करने, ये विकेट विकेट कोइस गिराता। डेढ़ साल बाद कैसे याद आई रे? दादा तुमको तो मालूम है ये प्रेस वाले कितने लोग होते हैं। टीचर आयला 2 किलो वजन कम हो गया तो लिख देते हैं एमएलए को एड्स हो गया। दादा ऐसे में इधर आता तो न जाने क्या क्या छाप देते। पोत बचते बचाते आया हूँ इधर। हाँ वही प्रेस वाले का मचमच है, हाथ धोन मजा पीछे पड़ा है। मेरा भूतकाल है ना, खोद खोद के पब्लिक के सामने लाना चाहता है दादा। दादा तुमको तो मालूम है ना मैं पहले ए, काम की बात कर। अगले महीने मंत्रिमंडल में फेरबदल है, सीएम ने मेरी कुर्सी का भी नाप दिया है। लेकिन अगर ये प्रेस वाला चुप नहीं बैठा ना तो मेरी माप का दूसरा ढूंढेंगे दादा। उस प्रेस वाले को चुप कराओ, मैं जानता हूँ काम थोड़ा तपलीक वाला है। अरे क्या सिक्योरिटी दिया है सरकार ने उसको। नहीं नहीं मेरे को मालूम है काम हो जाएगा, आपके लिए क्या कठिन है। मैं तो दादा बस खबर दे रहा था। ये लो संभालो 20 लाख है। बहुत नोट छापा रे 1.5 साल में। दो ही तो लाइन है फटाफट नोट छापने की, एक हमारी एक तुम्हारी। एमएलए बन गया पर क्या आदत नहीं छोड़ा। ए इंदौरी चल पैक बना। हेलो। हाँ दादा एक मिनट। बोलो दादा। तेरे यदि हमें किसी का फील्डिंग लगने वाला है। किसकी? बताएगा, सब बताएगा। तेरे को भी साथ रहने का है, माल दबा के मिलेगा। फिर तो दादा इसी तगड़ी फील्डिंग लगाऊंगा कि विकेट 100% गिरेगा। बर दादा। ऐसी क्या देखते हो रे? कितने गंदे इंसान हो तुम। लोगों की जिंदगी का फैसला ऐसे करते हो जैसे कि वो भेड़ बकरियां हो। बदबू आती है तुमसे, लोगों के खून की बदबू। तेरी तो मेरे साथ बिस्तर पर सोती है तब बदबू नहीं आती है, तब और आती है। क्या करूं, लाइसेंस जो मिला है तुम्हें मेरे साथ बलात्कार करने का, पति हो ना तुम, बस यही सोचकर तुम्हारी वो बदबू बर्दाश्त करती हूँ। शानी दिन रात नशे में धुत रहती है और मेरे को बोलती है बदबू आती है। सच बोलूं तुम्हारे साथ जीने में अब कोई मजा ही नहीं रहा, और इस घर में रहकर तुम्हारे अस्तित्व को भुलाने के लिए मेरे पास इस शराब का ही तो सहारा है। कितना बुरा हूं मैं? तुम बुरे ही नहीं बल्कि गिरे हुए हो, और सिर्फ गिरे हुए भी नहीं बल्कि नीच हो। सिर्फ नीच भी नहीं। सर प्रेस विज्ञप्ति से पता चला है कि बालू माने को मंत्रिमंडल में जगह मिल चुकी है। तो टके का दिला मंत्री बनने जा रहा है? बनने तो दो उसको, फिर हम दिखाएंगे कि हमारी कलम में कितनी ताकत है। सर सर
सायरन खराब है क्या? हाँ यार जाम हो गया है, अगले सिग्नल पे ठीक कर दूंगा। बड़े बड़े विज्ञापन या आर्टिकल छापने के लिए मैंने ये अखबार शुरू नहीं किया है, बल्कि समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए किया है। देख लेना रस्तोगी, एक एक करके मैं इन सब भ्रष्ट नेताओं को एक्सपोज कर दूंगा। साहब वो गाड़ी नहीं दिख रही, आगे भी तो पुलिस जीप है, मरना है इधर किसी को फालतू गिरी करके। बाबूजी सवेरे से रोटी नहीं खाई। बाबूजी खाना खाएगा ना बाबूजी? अब आप सब क्या करना बाबूजी? देखो ये लो। बाबूजी देगा ना, बाबूजी देगा ना। क्या हुआ सर? माचिस है, ये लीजिए। दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले। तेरे को कैसे मालूम ये गेम उन्हीं लोगों ने किया है? क्या साहब, बाप ही अपने बेटे को हरामी बोलेगा तो कैसा चलेगा साहब? साहब कल्लू का खबर 19-20 हो सकता है, पन झूठ नहीं। किधर है वो लोग? दूसरे पुलिस ऑफिसर को बातों में उलझा रखा, वो भी इत्तेफाक था। बताया जाता है कि सुपारी किलिंग और इसमें अंडरवर्ल्ड का हाथ है। नो कमेंट्स। क्या ये सच नहीं है कि आपके अंडरवर्ल्ड के साथ गहरे संबंध है? किस ने बताया सब? और तुम लोग होते कौन? ये सब पूछने वाले कौन होते? देखिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, नहीं तो हम वो भी छाप देंगे। एक पत्रकार की हत्या हुई है, इसलिए जब तक जनता को सच्चाई नहीं मालूम होती कोई भी पत्रकार चुप नहीं रहेगा। क्या ये सही है कि आपके खिलाफ बहुत जल्द इंक्वायरी शुरू होने वाली है? दादा इंक्वायरी बढ़ गई तो मेरी तो बैंड बच जाएगी। दादा मेरे को ये तीनों चाहिए। केस डाल के इनको कोर्ट में खड़ा कर दूंगा, 2-3 महीने में ये लोग बेल पे छूट जाएंगे, मेरे सर से टेंशन उतर जाएगा। भेजा फिर क्या तेरा? नोट लेते टाइम नहीं सोचा तूने? टेंशन आएगी। ये लोग की जाति जैसी होती है, पैसा भी लेते उंगली भी करते और उंगली डाल के सब ठीक भी करते हैं, मालूम है ना? चल भाई सब मालूम मेरे को, टाइम आता है तो छुपके सलाम करते हैं और टाइम आएगा ना तो जमकर मारते भी हैं। ओए तेरी तो। ए चुप, क्या बोलता है? और तू भी चुप। अगर इनको मैं तेरे हवाले करता है तो अपनी इज्जत का तो बुच्चे लग जाएगा ना। जो अपने फ्रंटल लुक को नहीं बचा सकता उसके साथ काम कौन करेगा, समझता है ना? लेकिन दादा बस रोकड़े बस, तेरे को और पैसा चाहिए तो लेके जाना और इस मामले को कैसे भी सुलटा, लेकिन एक भी आदमी पे हाथ नहीं डालने का ना। पर दादा बस इसके आगे कोई भी मच मच नहीं मांगता मैं। लाओ मुझे दो, जा लेके आना। जाना लेके आना। जा सिगरेट भी लेके आ, बचेला रख लेना, 1000 का नोट है। जा ऐश कर, जा ऐश कर, जा जा। बुढ़िया
रख दे इसको, कल मैं फिर आऊंगा। आई, ये भुल्लर गाना मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। तो मैं क्या उसके साथ अपनी मर्जी से सोती हूँ? तू जानता है कौन है वो? अगर उसके साथ नहीं सोई तो मेरे मुंह पे तेजाब फेंक देगा या छोड़ाएगा किसी कोठे पर। है कोई बचाने वाला मुझे? तू पूछा इसे, है इसमें इतनी हिम्मत तेरी लाश पे रोने की? हाँ तू जानता है कौन है वो? अगर उसके साथ नहीं सोई तो मेरे मुंह पे तेजाब फेंक देगा या छोड़ाएगा किसी कोठे पर। है कोई बचाने वाला मुझे? तू ए चिकने चलता है क्या? टेंशन में है क्या? अपन ऐसी मस्त चीज है कि तेरा सारा टेंशन दूर हो जाएगा। जवानी से अब जंग होने लगी, ये चोली मेरी तंग होने लगी। कोई मारे इशारों से टनन टनन, कोई मारे नजारों से ढिशाऊं। अरे तू अंदर नहीं आया अभी तक? आ ना, शर्माता क्या है? क्या फिर हीरो, कैसा लगा अपना ताजमहल? है ना चकाचक? दरवाजा बंद कर, आ जा फटाफट। और सुन, फुल नाइट का मतलब सुबह के 5 बजे तक, उसके बाद अपना टाइम खल्लास। और पहले से ही बोल के रखती है अपन से कोई फालतूगिरी नहीं कराने का, समझा क्या? नरम नरम गद्दे पे आ जा बालमा, चला ना कपड़े उतार के। क्या हुआ, पहली बार है तेरा? डर मत, अपन सब कुछ सिखा देगा। एक ग्लास पानी मिलेगा। क्या बोला तूने? पानी पिएगा मेरे घर का? ठहर, अभी लेके आती हूं मैं। देर से पहले बहुत लोग इस घर पे आए, बस सब साले हरामखोर, घर के पानी को भी मेरी तरह गंदा समझते, पर तू साला उल्टी खोपड़ी का निकला रे। और एक ग्लास पानी मिलेगा। क्या साला पानी पे पानी मांग रहा है? खाना नहीं खाया क्या? खाएगा इस साला। तेरी स्माइल तो शाहरुख से भी ज्यादा खतरनाक है। एक फोटो लाके दे, अपने घर पे लगाएगी। चल बैठ, मैं खाना निकालती है और तू ज्यादा बातचीत मत करना, बाकी सब बाद में करेंगे। मैडम, आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक हो गई? I mean, इतनी जल्दी ठीक हो गई? क्यों नहीं, मेरा हाथ लगते ही अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं, ये तो गाड़ी है। तो फिर जाइए, अब बिल मैं घर पे भिजवाता हूँ। ठीक है, चलो बेबी। मैडम चाय पियेंगी? वही तो मैं कह रही थी, आज आप चाय पिला भी नहीं मुझे भेज रहे। अभी लीजिए मैडम, चुन्नो। कब का बोल दिया गोलू भाई? मैडम चाय। थैंक यू। अरे आप भी तो चाय लीजिए ना। यू इडियट, क्या किया तूने? सॉरी मैडम। यू फूल्स, आई एम नॉट मैडम्स, आई एम सर्स। ओके, अभी तुम्हारे स्टाइल से तो ऐसा ही लगता है, बाकी अंदर की बात तो भगवान को ही मालूम। यू टपोरी चाय वाला, मैं मारूंगी हाँ तेरे को। ए बेबी, वहाँ पे पानी का नल है, मैं साफ करके आती। कपड़े तेरी तो। चाय कैसी है मैडम? जैसे चुन्नू आके बोला मैं खुद बनाया आपके लिए। चाय से ज्यादा मजेदार तो तुम्हारी बातें हैं। बेबी चलो जल्दी चलो, वरना दीदी नाराज हो जाएंगी। चलो चलती हूँ, तुम्हारे फ्रेंड को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। जी बाय। कंपास कंपास।
ए फ्रेंड, तेरे को थैंक यू बोली यार। हद तो बनता है ना दोस्त अपुन तो थैंक यू का, क्योंकि अपुन ने तेरे होटल की सड़ैली 2 रुपए वाली चाय जो उसे पिलाई। गोलू, वो कस्टमर भड़क रहे ना, जाके गाड़ी देखिया। साहब, साहब, मैकेनिक हूं साहब, गैराज से गाड़ी लाया हूं साहब। मैम साहब, साहब क्या है? मैकेनिक हूं मैम साहब, गैराज से गाड़ी लाया हूं। तुम्हें नहीं लगता कि ये सारे मैकेनिक एक नंबर के कामचोर होते हैं? क्यों मैडम? You dumb fool! एक तो 4 दिनों बाद गाड़ी लाते हो और ऊपर से बेशर्मों की तरह पूछते भी हो, क्यों मैडम? गाड़ी में काम बहुत था। Shut up! You idiot! चाबी रखो and get lost! मैडम। अब क्या है? बिल। क्या ये इसलिए था कि गाड़ी ठीक करने में मुझे वक्त लग गया, या फिर इसलिए था कि मैंने आपको गिरते हुए थाम लिया? और सुन, अभी तू ना धोकर तैयारी कर ले, होटल में अभिषेक तेरा वेट कर रहा है, अपन निकलता है। निकले तो तेरे को 30 साल हो गए, अब फिर से निकलेगा क्या? एड़ी, अपन का टेर लेती है, अपन का टेर लेती है। चल कोई बात नहीं, तो खुश अपन खुश। और ए, जाते अरबी से 5,000 रुपये ले ले, अपन निकल। अपन चलता है। ए आई, क्या कर रहे लिए? संगीता को बोल वो सी देगी। दवा खाने गई वो। क्या हुआ? कोई सीरियस तो नहीं है ना? कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं लेने का, अपन का ऊंचा ऊंचा टच है। ए आई, ले बेटा। ए अबे, कुछ काम मिला कि नहीं? ऊपर चढ़ गया रे, अटारे पे लोटन। अरे साले, तू आज घर पे सीधा ही आ गया? बहुत याद आ रही थी क्या मेरी? हाँ रानी। ए साले, तू मेरा नाम लेता है तो कितना अच्छा लगता है। एक काम कर, तू घर पे बैठ, मैं 1-2 घंटे में काम पटा के आती हूँ। तू मेरे लिए रुक नहीं सकती क्या? आज मेरे पास पैसे भी नहीं है। बोलना, रुकेगी मेरे लिए? करोड़पति सेठ की लड़की एक वेटर के साथ भाग गई है। ए हरी, क्या हुआ करीम भाई? इधर आ, इधर आ। अबे गधे, इसे सीख, कुछ सीख इससे, सीख। देख इधर क्या है, लड़की मिली तो मिली, बोनस में उसके बाप का माल भी मिला। साला अपुन चिंदी चोर नहीं है, छोकरी पट गई वो बहुत है। करीम भाई वो अच्छी लड़की है, अगर वो पट गई ना तो अपुन उससे शादी मनाएगा करीम भाई। यही से क्या? अरे मैडम, आज इधर कैसे आया मैडम? एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुम्हारी चाय पीते चलूं। मेरे को पहले मालूम होता ना तो मैं करीम भाई को तुम्हारे घर के बाजू में ही होटल खोलने को बोलता। ए हरी, तेरा मैडम को अंदर बैठा, चाय वाय पिलाना यार। आई ला, भूलिज गया मैडम, आओ ना। अंदर आओ ना, बैठिए ना मैडम। वो आपका करंट लगेला पिसनी है? कौन, वासु? हाँ वोइज। वो तो गाँव गया है शादी करने। शादी किससे? आदमी से के औरत से?
मैडम आप हंसती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। बैठो पे ठीक है ठीक है रहता हूँ और क्या कटलेट जी चला जा। बाय। अरे हाँ भाई फटका मार। सॉरी 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 इधर भी। अबे ऐसे मारना यार भाई बड़े अमाल पटाया तुमने साला चिकना भी तो बहुत है। भाई छोड़ो ना भाई वो देख रहे लिए अब उनका इंसुलेट हो रहा है भाई। मैं अभी का दोस्त है भाई। अरे मैं तो भूल ही गया था यार। चल 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 देखता क्या अपना काम कर चल। मैंने उस दिन जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया अच्छा नहीं किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी। चलता है मैडम चलता है। पियोगे? नहीं मैं शराब नहीं पीता। मेरे दुख अगर तुम्हारे हिस्से में आते तो शायद तुम भी पीते। ये पीने से आपके दुख कम हो जाएंगे मैडम। एक बात बोलूं मैडम आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। I love you. जानते हो सालों बाद इतना हंसी हूं मैं। हंसते रहना चाहिए मैडम उम्र लंबी होती है। अच्छा बातें तो बड़ी अच्छी करते हो। थैंक यू मैडम। मेरा एक नाम भी है जो आपने कभी बताया नहीं। जो आपने कभी पूछा ही नहीं। ऐसा मौका कभी आया नहीं। हाँ या फिर आपने ऐसी कोशिश कभी की ही नहीं। खेल चालू है। मैं भी खेलू। चौंकता क्या है इसका पति हूं मैं और तू कौन है इसका देवर और शायद तू अपनी भाभी को पटा रहा है। मेरी बात तो सुनो। मैं एसिड नहीं था पानी था वरना इसका थोबड़ा देख के तू उल्टी कर देता। इसे तो मैं घर ले जाकर समझाऊंगा लेकिन यहां से तू अगर दो मिनट में नहीं भागा ना तो तेरे को यहीं पर पटक पटक कर मारूंगा। चल भाग। क्या तू भूल गई तेरा एक पति भी है। चल घर चल फिर याद दिलाता हूं। गलत तो मैं ही था जो एक शादीशुदा औरत से मिलने को गया। पहले मालूम नहीं था क्या? पहले मालूम होता तो शायद प्यार नहीं करता। झूठ बोलता है रे तू। अब भी प्यार करता है तू उससे लेकिन उसके पति से फटती है तेरी इसीलिए तो तू भाग के आ गया उधर से। तो तूने कौन सा उखाड़ लिया भुल्लर का? बोलना बहुत आसान है लेकिन टाइम पे अच्छो अच्छो की फटती है। नहीं रे गोलू हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते सर। ए गोलू क्या रे बिना बोतल का ढक्कन गाड़ी बना कि नहीं? हाँ भाई थोड़ा सा काम बाकी है सुबह तक रेडी हो जाएगा। एयरटेल तेरे को मालूम नहीं क्या भाई को सुबह सुबह मंदिर जाने का रहता है। रात को गाड़ी बना के ला नहीं तो इधर ही छुटका डालेगा समझ गया? हाँ भाई। ए अभी तू भी है इधर साला अपने देखा नहीं रे। कैसा रे ए घर में सब ठीक ठाक है ना? मौज मार भाई का आइटम सॉन्ग कैसा है रे? और सुन अपना भी हाय हाय बोल उसको। और उसको बोल साफ सफाई करके बैठने का रात को भाई आने वाला है।
बार है बोलता है ले साले छोड़ दिया, समझाता हूँ समझता नहीं, मारा भी फिर तो जिंदगी एक फिरकीच बन गई। हर रोज एक नया मर्द आता, पतंग उड़ाता, चला जाता, और हर कोई एक जैसा लगता जानवर। मैं भी वैसे ही लगता हूँ क्या? नहीं रे, तू तो एक लड्डू की तरह है जो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा। हाँ तो उसके हीरो की टांगे तोड़ दे, फिल्म बंद पड़ गई तो लाइन पे आ जाएगा साला, फिर भी नहीं दिया तो उसको ही लुड़का दे, बाकी के लोग नाटक नहीं करेगा। हाँ चल ठीक है, वालेकुम सलाम। वो एक फिल्म प्रोड्यूसर है, बहुत शानपति दिखा रहा है, देगा, थोड़ा नखरा करेगा लेकिन दे देगा। दो खोखे का डिमांड किया हूं, दो खोखे का। अच्छा है अच्छा है। खत्री वो बिल्डर क्या माना? तगड़ी सिक्योरिटी मिली है उस कुत्रे ने, इसलिए तो उड़ रहा है। मैं तो सोच रहा हूं बामन से बोल के गेम बजा डालूं साले का। ए, मार के क्या मिलेगा रे? वो मर गया तो कोका दोको का नुकसान। डरा, इतना डरा कि तेरा फोन जाते ही पेशाब करना मांगता, फिर देगा पैसा। अन्ना मेरा एक काम कर दो ना। क्या रे वो? अन्ना रोज रोज रेड पड़ रहे लाए, पुलिस लोग मेरी छोकरियों के साथ कस्टमर को भी उठा के ले जाता है, अभी बोलो कौन आएगा उधर। अन्ना एरिया ऑफिसर के साथ कुछ सेटिंग करके देव ना। बांट के नहीं खाता है रे क्या? मैं तो चाहता हूँ अन्ना, पर वो साला तैयार ही नहीं है। ये ईमानदारी के फटके का पैदाइश। टेंशन मत ले, सब ठीक कर देगा। और बोल अभी क्या बोलेगा अन्ना? बस काम होते ही उस्मान भाई को बोल के हीरो हीरोइन को इधर ही नचवा डालूंगा मैं। तो क्या बोला मैं? ये तेरा टेंशन है, तू संभालेगा, मैं कुछ नहीं करेगा। चल बाद में बात करते हैं। कैसा है रे छोटे? फर्स्ट क्लास। बामन दादा की गाड़ी तो बहुत जोरों पे चल रही है आजकल, बहुत ऊंचे ऊंचे गेम बजा रहे हैं। सब कुछ अन्ना का है, मैं जिएगा अन्ना के लिए, मरेगा अन्ना के लिए। क्या बात, तू तो मेरा जान है रे, मेरे बाद तू ही तो सब संभालेगा। ले तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, और मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगा, क्योंकि हमारा समाज, हमारी सभ्यता हमें इस बात की इजाजत नहीं देते। समाज पूछता है कभी उस मर्द से जो घर में बीवी के होते हुए दिन रात दूसरी औरतों के साथ खिलवाड़ करता है? वो गलत था जो तुम्हारे साथ हुआ नंदिनी, मगर मेरा हाल तो उससे भी बुरा होगा। किसी दिन शहर के किसी गंदे गटर में मेरी लाश मिलेगी और कहा जाएगा एक और गुंडा पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। तुम्हें देखकर तो मैं जीने का सपना देखने लगी थी, मगर मुझे क्या पता था कि मेरा ये सपना तुम्हारी मौत का कारण बन जाएगा। क्या कसूर है मेरा कि मैं जीना चाहती हूं? चले जाओ, मैं तुम्हारी मौत की वजह नहीं बनना चाहती। मुझसे गलती होगी नंदिनी, मुझे माफ कर दो।
जहां पे इंसान का बस ना चले वहां सारे फैसले ऊपर वाले पे छोड़ देने चाहिए। हैरान हो गया उस साला में, वो पेपर वाले के केस का लफड़ा हो गया, एसीपी भी साला हाथ धो के पीछे पड़ा है, दिमाग की मां बहन कर दी साले ने। एक अली टोपी कैसा रे? ए चला चला लव कर चला। ए थामा इसे। थामा। क्या साहब? बार कितने बजे तक चालू रखा तूने? मालूम है लेकिन आज देर हो गया। अकड़ के बात करता है। मार, लात मार साले को। नमस्ते साहब, छोड़ दो ना साहब, गलती होता है। अंडे कर पकड़। अगली बार बार चालू रखना है ना तो हाजिरे देकर जा। चल निकल। जी साहब। ए चलो चलो सभी लड़कियां चलो चलो सब गाड़ी में बैठो। ए तू जा, वो बाद में आएगी। केले ब्रोकर साहब कुछ केले अंदर इंक्वायरी कर रहे हैं। ए हाथ में जाओ, कोई गया आएगा वापस। दो मिनट बाहर नहीं रुक सकता था क्या? गलती हो गया साहब। हाँ बोल, तू निकल बोल। आपका शक बिल्कुल सही निकला साहब, वो दोनों रोज मिलते हैं। और क्या साहब, आज तो दोनों ऐश कर रहे थे, बाद मैंने उस छोकरे का पीछा किया, वो उधर पोकली बारी के गैरेज में मैकेनिक है साहब, उधर ही खाता है उधर ही सोता है। दीदी वो बस करो साहब। अरे साले उठ उठ। दुश्मनी मुझसे है, उनका क्या कसूर है? तेरी मेरे को बहुत जरूरत है। और इनकी भी मेरे को बहुत जरूरत है, यह इनका कसूर है। क्या है ना, वो एसीपी का बहुत टेंशन है। सर आपसे मिलने एक छोकरी आई है। साहब मेरे भाई को पुलिस वालों ने पकड़ लिया साहब, उसका क्या कसूर है साहब? क्या नाम है तेरे भाई का? अवि, और उसके साथ उसके दो दोस्त भी हैं साहब, हरी और गोलू। वो तेरा भाई है? हाँ साहब। क्या किया उसने साहब? नहीं कुछ नहीं, रूटीन इंक्वायरी चल रही है। तू डर मत, सुबह तक छोड़ देंगे। छोड़ देंगे ना साहब? हाँ बाबा छोड़ देंगे, तू घर जाओ सुबह तक आ जाएगा। जा। नमस्ते साहब। चल। ये इधर क्या हुआ है साहब? क्यों? लफड़े वाली है क्या? भुल्लर का आइटम है साहब। सुन, क्या बोला साहब? साहब बोला सुबह तक छोड़ देगा। झूठ बोलता है, बेईमान है साला। अभी तक केस रजिस्टर नहीं किया उसने। मैंने जो सुना है उस हिसाब से वो तेरे भाई और उन लड़कों को उड़ा देगा। रोक, अंदर मत जा वरना रोक ले तुझे मार मार के बाहर निकाल देगा। तो अब मैं क्या करूं साहब? कोई ऊंची पहचान लेके आ, फिर हो सकता है रोकड़े शायद छोड़ दे उनको।
क्या हो रहे थे ठोपड़े को है? वो भाई चलते बस गिर गए थे भाई। ए साले सच्ची बात भाई, वो परसों बीच पे अभी मिल गया था, मजाक किया तो भड़क गया साला। वो तो तुम्हारा चेहरा याद आ गया, नहीं तो उधरी छप छप कुछ का डालता। तुम में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। हाँ बोल। ए बुल्लर, तेरा आइटम का भाई लॉकअप में बंद है। क्या क्या एडर है? 7 तारीख को उसने और उसके दोस्तों ने एक पेपर वाले का गेम कर दिया, ऊपर से सिग्नल मिल गया। मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा और तेरा भी टेंशन खत्म हो जाएगा। बोल, करूं या नहीं करूं? कर दे। क्या बात है भाई? वो जो पेपर वाले का गेम बजाया था ना पुन्ने, उस भाभी का नंबर लग गया। हा? भाई भाई, वो तो तुम्हारे आइटम सॉन्ग का भाई है। मेरी चाल से पढ़ गया क्या? पड़ जाएगा तो सारा टेंशन खत्म हो जाएगा अपन का। देख संगीता, बात बहुत बढ़ गई है, फिर भी मैं कोशिश। चुप, मैंने सब कुछ सुन लिया है। समझती नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं। मैं तो ये सोचकर आई थी कि तू अभी की जान बचाएगा, लेकिन तूने तो अभी की जान का सौदा कर दिया कमीने। देख, अभी तेरी खोपड़ी फिर गई है। चल चल। ये कभी तक रखेगा आप उनको वो अंदर? क्यों भाई, क्या हुआ? कौन से केस में लाया तुम लोग को? हम लोग को नहीं मालूम। 6 घंटे से केस रजिस्टर नहीं हुआ तुम लोग का, मतलब रोकड़े तुम लोगों का खल्ली बल्ली करने वाला है। खल्ली बल्ली बोला तो इनकाउंटर। ए मेरे को बचाओ रे, ए मेरे को मरने का नहीं, मेरे को बाहर निकालो रे, ए कुछ करो रे, ए मेरे को निकालो रे, मेरे को मरने का नहीं, मेरे को बाहर निकालो रे। ए अभी, ए कोलू, मेरा दम कुछ नहीं ला है, मेरे को बचाओ। धर्मात, थोड़ी देर बाद वो भी निकल जाएगा। भाई हमने कुछ नहीं किया भाई, हमको बचा लो भाई, हमें कोई रास्ता बताओ भाई। बुल्लर ने भिजवाए साहब, ये वही पीस है ना जिससे उन लोगों ने पेपर वाले का गेम कर दिया था? जी साहब। गायकवाड़। जी साहब। उन तीनों को बाहर निकाल। इन तीनों को उड़ाने का नहीं किया सर? मालूम नहीं क्या, मुर्दा लोग का भी पोस्टमार्टम होता है, कल को पता चला कि पहले से सर फटाता तो इंक्वायरी नहीं होगा क्या? तो फिर क्या करें सर? घर ले जाते रे साले, येड़ा साला। कल सुबह छोड़ देना कुत्तों को। जी सर।
क्या हुआ चुन्नू? बुल्लरे संगीता दीदी को गोलू अभी कहाँ है? हमारे लिए बर्बाद हो गई है। इतना करके क्या मिला मेरी बेटी को? तेरे लिए गई थी वो बुल्लर के पास। उसने मेरी संगीता को अभी कैसे नपुंसकों की तरह जीते रहेंगे हम? कब तक जीते रहेंगे ऐसे नपुंसकों की तरह? कब तक? दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। भाई बाबा चमड़ी उधर दुकान तुम्हारी मार अभी मार मार अभी मार अभी मार तुम्हारे तो सारा मार अभी मार साले को भागा बुल्लर तेरा गेम ओवर। दादा क्या हुआ रे? क्यों चिल्लाता है? दादा मुल्लर भाई का गेम हो गया। दादा अबे पागल हो गया क्या? इसी ने भाई का गेम बचाया दादा, इसी ने। हाँ
हमें मारना है तो मार दो, बचाना है तो बचा लो। अगर मार दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर बचा लोगे तो एक की जगह तीन भुल्लर मिलेंगे। हेलो, क्या ठीक है? उसके दोनों छोकरों को सामान देके भेजो। सर, आपका सर्विस रिवॉल्वर इन छोकरों के पास था। मेरी बीवी ने अपने यार को दिया और उसने एक गम बजाया, और मैं आया अपने बीवी के यार को बचाने। मालूम है क्यों? क्योंकि साला वामन राव से मिल गया। आज मेरी समझ में आ गया, गंदा खिलाएगा तो गंदा खाना भी पड़ता है। जाओ रे सालो कुत्तो, देखो इसको। हमारे ईमानदार सब इंस्पेक्टर क्रॉस फायरिंग में शहीद हो गए। हाँ बोल। तुम लोग को कभी तात्या के पास देखा नहीं रे? तुम लोग हंसता काहे को? वामन दादा ने बोला शेट्टी को हंसा हंसा के मारने का। ये साला जा। गाड़ी किधर मिली? कोलीवाड़ा में सर। गाड़ी चोरी की थी, गेम में टोटल तीन लोग थे। केस रजिस्टर किया? 302 कलम में मर्डर का केस रजिस्टर किया, लेकिन अभी तक किसी का नाम नहीं डाला। मुंबई के बार वालों से हफ्ता वसूली का काम शेट्टी अन्ना के लिए किया करता था, लेकिन खबर यह है कि बाद में वो तात्या से मिल गया, तो जाहिर सी बात है कि उसका गेम अन्ना के छोकरों ने बजाया होगा। कौन गवाही देगा अन्ना के खिलाफ? सर, उसका पॉलिटिकल टच इतना मजबूत है ना कि 2 मिनट में मेरा ट्रांसफर करवा देगा, और शायद आपका भी। रोकड़े, इस जोन में जब मेरा ट्रांसफर हुआ तो लोगों ने बोला कि मुंबई का सबसे डेंजर एरिया है, जहां कभी भी कुछ भी होता है। तो सोचो, जब मैं अपनी जान के डर से नहीं रुका तो एक और ट्रांसफर से मेरा कौन सा बाल उखड़ जाएगा। तुम अन्ना के खिलाफ केस फाइल करो, बाकी मैं देख लूंगा। छोटा, भरोसा कैसा किया तू वो छोकरे लोग पे? अन्ना वो लड़के काम के हैं। तेरा काश शूटर को टपकाया मैं सुना। वो उनका आपस का टेंशन था अन्ना, लेकिन उसने लड़कों ने जो स्टाइल से हाथ में पीस लेकर एंट्री मारा वो चाहते तो हमारा लाश भी गिरा सकते थे, लेकिन उनको डर था ना अपन लोग का। छोटा, फिर भी होशियार रहने का हो अन्ना। हाँ बोल रोकड़े। दादा, एसीपी ने अन्ना के खिलाफ मेरे को केस फाइल करने को बोला है। Thank you.
मैं देखता है। रोकड़े का फोन था। कुछ खास है? पुलिस ने शेट्टी मर्डर केस रजिस्टर किया है तुम्हारे नाम का। हाँ, दोष रोकड़े का नहीं, वो नया एसपी आया ना, उसका प्रेशर है। प्रेशर? शेर का कलेजा लेके पैदा हुआ है। कोई बात नहीं, जैसा दूसरा केस साल साल चलता वैसा ये भी चलेगा। लेकिन साला, इस उम्र में कोर्ट का चक्कर लगाने को शर्म आता। मैं संभाल लेगा ना अन्ना। हो जाएगा, मामूली सा मैटर है। जब से मिनिस्टर बन गया हूं ना, तब से बहुत सारा लफड़ा सुलटा चुका हूं। बस क्या है कि थोड़े से नोट फेंकने पड़ेंगे। नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं है, ऊपर वाले के लिए। मेरे से जो ऊपर बैठे ना, उनके लिए। तुझे आईला जिनके हाथ में न्याय विभाग है, उनके लिए। मेरा बाप बोला करता था। क्या? बहुत समझदार थे। स्कूल में टीचर थे क्या? ऐसे क्या देख रहे हो? बहुत अच्छी लग रही है। आजकल धंधे पे नहीं जाती क्या? नहीं। क्यों? अच्छा नहीं लगता। बहुत बदल गई है तू। तुम भी तो बदल गए हो। ए बुल्लर, नीचे आ। ए कुत्ते, नीचे आ। ए रानी, देखो मालूम है क्यों बदल गया? ए बुल्लर, बता रानी को क्यों बदल गया मैं, बता रानी को। नहीं आएगा वो, उस कुत्ते को पता है अभी अभी भाई बन गया है। मेरे को भाई बनाया किसने? दादा ने। दादा ने बोला शेट्टी को मार तो मार उसको है। दादा ने बोला तात्या को मार तो मार। लेकिन तात्या किधर? उधर दुबई में। ए तात्या, साले सुअर, क्या छुपके बैठे? ए रानी, एक बात बताओ, मैं बदलना नहीं चाहता था रे, मैं बदलना नहीं चाहता था, मैं कभी बदलना नहीं चाहता था। साला, अखा मुंबई ये समझता है कि मैं दुबई में है। तू भी यही समझा? नहीं 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 नहीं, नहीं। तू भी वो ही समझा, तभी तेरे को चर्बी आई। साला, तू पागल है तो क्या मैं भी पागल है? ओ उमन राशि बुड्ढा, अन्ना मेरे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, दुनिया दिखाया, मेहरबानी किया? नहीं, तू ही बोल, मेहरबानी किया? नहीं किया? साला, साला का मेरा हक नहीं बनता कि मैं भी उसकी तरह दरबार चलाऊं? अरे जिंदगी भर गुलामी करूंगा क्या मैं उसकी? नहीं किया, नहीं किया, साले का पेट दुखने लगा। ये सब मैं तेरे को काहे को बोलता है? इसलिए कि तू भी वो इच किया जो मैं किया, गद्दारी। लेकिन मेरे साथ क्यों किया? अभी भी नहीं बोलेगा? मैं नहीं बोला था वामन को कि शेट्टी ने कंपनी बदल लिया। और छोकरा लोग कौन है? वो उसके खास शूटर थे, अभी हरी और गोलू। छोड़ दो इसे, आग की भट्टी में ले जाके छोड़ दो। नहीं नहीं तात्या भाई, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे तात्या भाई, मुझे माफ कर दो। गणपति बप्पा मौर्य।
सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देता? बहुत आगे निकल चुका हूं भाई। आई अगर छोड़ दूंगा तो फिर कोई भुल्लर सामने आके खड़ा हो जाएगा और वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तू क्या चाहते उस भुल्लर के लिए एक और अभी जन्म ले? करते हैं बदनाम इन्हें, कुछ करते झुक के सलाम इन्हें। ना छूटी है ना छूटेगी इनकी आदत, न जाने कहां ले जाए इन्हें जीवन का ये रथ। होटल में बैठे या शमशान में? अरे थोबड़े पे थोड़ा मुस्कुराहट तो ला। ऐसी कौन सी खुशी दे दी तुमने जो मुस्कुराऊं? ज्यादा बात मत कर वरना कान के नीचे खींचूंगा। देखता क्या है? कभी देखा नहीं मेरे को? चला जा चुपचाप वरना यही मारूंगा सबके सामने। ए पहले वाला गुरु समझाए, मैं नहीं तू जाएगा यहां से वरना सुबह के पेपर में तेरे मौत की खबर छपेगी। देखते क्या है? आउट।
ये तो गलत कर रही है नंदिनी। क्यों, तुमने भी तो कभी सही नहीं किया। मेरे होते हुए गैर मर्द के पास कैसे जा सकते हो तू? क्या तुमने गैर औरतों के साथ सोना छोड़ दिया है? मेरी जगह अगर तुम होते तो क्या करते? दोनों का मुंडी काट के भुस भर देते। लेकिन मैं सिर्फ एक ही का सर काट सकता हूं, इसका। इससे पहले तू नहीं बचेगा कुत्ते। उड़ा डालूंगा साले। ए, सामान रख अंदर, अंदर रख सामान, अंदर रख। बोला ना मैं करेगा। बिहारी इसको लेके जा। ए गोलू, चल रे गोलू। छोड़ अरे, चल छोड़ साला। गोलू चल, तेरे को बोला ना एक बार। छोड़, मैं बोला ना साले को उड़ा दूंगा। गोलू चल। तुम्हें कैसा आदमी है रे, अपनी औरत को समझाता क्यों नहीं है? अगर उसमें इतनी समझ होती तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? समझ नहीं है तो लेके जा घुमाने हाजी मलंग के पहाड़ पे, और धक्का दे दे ऊपर से। क्या दादा, सिगरेट पे हानिकारक लिखा होता है फिर भी पी लेते हो, छोड़ने का दिल नहीं होता ना? वैसे मेरा भी दिल नहीं होता उसको छोड़ने का। अरे मारने का होता तो गला नहीं घोट देता? साला इदरीश मार खाता है हर मरद, उसके यार का मुर्दा गिराएगा पर उसको नहीं मारेगा। साला ये औरत होती चीज ऐसी है। अभी तो बता क्या करना है तेरे को? आज के बाद गोलू उससे कभी नहीं मिलेगा। अगर वो मिली तो? फिर भी ये नहीं मिलेगा, वरना 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 तुमको किसी एक को चुनना होगा, वो या मैं। नहीं मिलेगा, जा। मेरे को उसकी जवान चाहिए। मेरा जुबान काफी नहीं क्या? बोला ना तेरे को नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अभी तू जा। अभी जो बात हुआ सुना तू? पर दादा उन लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे खड्डे में गया उनके प्यार। पुलिस वाला है वो, मेरा मुंह देख के चुप बैठता है। उसकी जगह कोई दूसरा होता तो बीच में से चीर के रख देता। साला किसी के अंदर इतना भी डंडा नहीं करने का कि वो पलट के हमारी फाड़ के रख दे, समझा? उसको दोबारा ये मैटर मेरे तक नहीं पहुंचेगा। इतना क्या अच्छा लगा हो तेरे को जो पेट में उसका बच्चा रख ली? अच्छे खासे धंधे की वाट लगा रही येड़ी। एक बार बच्चा हो गया ना तो ये पूरा बदन बेढंगा हो जाएगा, फिर 150 की कीमत लगाएगा कोई भी, समझती नहीं येड़ी? क्या मैं लोगों के झूठे बर्तन नहीं साफ कर सकती? मदर इंडिया बनती है येड़ी, और समझती है वो बच्चे को देखे वो साला फादर इंडिया बन जाएगा। उसने कभी ये नहीं कहा कि वो मुझसे शादी करेगा, वो तो मुझे वो अच्छा लगने लगा इसलिए मैंने उसका बच्चा अपने पेट में रखा। फालतू गिरी मत कर। बच्चे को जब बाप का नाम नहीं मिलेगा ना, हरामी का लेबल लगा के घूमेगा गली गली, और ये दुनिया है ना ताने मार मार कर खलास कर डालेगी। बात करती है येड़ी। कुछ बोला तेरे को इसने? नहीं भाई, अपन कुछ नहीं बोला। बोल के एक इंच का कैप्सूल आर पार नहीं करवाने का भाई। चलता है भाई, सलाम भाई। क्या बोल रहा था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तबीयत खराब है क्या? हाँ। डॉक्टर बस गई थी? हाँ। क्या बोला? पेट में बच्चा है। मेरा बच्चा है क्या?
गिरा दे बच्चा। ना मैं तेरे को प्यार दे सकता हूँ, ना उस बच्चे को। मैं तो यहाँ कुछ पल शांति से बिताने आता हूँ। तेरे से पहले और भी लोग आते थे, लेकिन तू मुझे अच्छा लगने लगा और मैं तुझसे प्यार करने लगी। मगर मैंने ये तो नहीं बोला कि तू भी मुझसे प्यार कर। क्या मतलब? तू नहीं समझेगा, तू नहीं समझेगा। तू चाहती मैं इधर आऊं या नहीं? ये बच्चा गिरा दे। अरे शर्म कर रहे, कितने गेम हारेगा तू? क्या कोई दूध पीता बच्चा है जो तेरे से हार के मेरे को शर्म आएगी? और वैसे भी आजकल तेरे को हारने की आदत किधर है? क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं, ले तू खेल। चल अपनी तो किस्मत ही फूटे लिए। चल गोलू के नाम से मारता हूं। साला इसकी भी किस्मत फूटे लिए। नहीं खेलने का। गेम काय को बिगाड़ता है? गेम तो वैसा ही चल रहा है ना, जैसा तू चाहता है। सब मालूम है मेरे को। ए नाटक मत कर, मैं क्या दुश्मन है इसका? साला दादा ने बोला और तू मान गया, सिर्फ इसलिए ना कि उसने पुल्लों का जान बचाया? तो साला अपन भी तो जान पे खेलता है ना उसके लिए। इतना समझ में नहीं आता उसको? बोलता है रोकड़े को मैंने जबान दिया। अरे बाढ़ में क्या ऐसा जबान जो अपन लोगों के दोस्त की खुशी के बीच में आता है? तुम लोग समझते नहीं यार। मैंने बुलाया इसको, मैंने, मेरे से देखा नहीं गया इसका थोबड़ा। बहुत गलत किया तूने हरी, तेरी वजह से इन दोनों की जान भी जा सकती है। तो ले साले, तू ही मार दे हमें, मार दे, क्योंकि हम दोनों अलग रहकर नहीं जी सकते अभी। समझा मोहब्बत क्या होती है? तू नहीं समझेगा। अपुन सब सेट करके आया डॉक्टर से, वो बोला झटपट सफाई, फटाफट छुट्टी, 2-3 घंटे में तू अपने घर पर रहेगी। बच्चा खत्म, फिर टेंशन खल्लास। शादी करेगी मुझसे? शादी बनाया है, है? अपने दादा को बोला नहीं, इसको थोड़ा डांटा है तो तुम लोग को बुरा लगा है? अरे इसके भले के लिए बोला ना मैं। दादा मैंने सोचा कि पता नहीं तुम आ गए या नहीं,
अरे ऐसे कैसे नहीं आता है? तू बच्चा है मेरा बच्चा। जाके अंदर ही चुरोक नंदिनी को। जिया वाले बन रे दूल्हा बन रे। जी दादा, कोई लड़की ढूंढ ले और शादी बना ले। साला शादी के नाम पर अंदर लड्डू फूट रहे हैं। दादा नाचिए ना, दादा नाचिए ना। नहीं बस क्या दादा, नाचिए ना दादा, नाचो ना दादा, नाचो ना दादा, नाचिए ना। दूल्हा बने राजा राम जी आवाज़। स्वागत नहीं मनाने का थोड़ी रुका होगा दादा, विलेज मीटिंग में मना लिया होगा। वो गैर कानूनी था, ये कानूनी है। अरे तुम कहाँ जा? दादा क्या वो देखो रोकड़े की बीवी। नाराज लफरानी, मैं तुम्हारा बच्चा हूं ना। क्या हुआ, गया नहीं तू अंदर? स्वागत क्या सुबह मनाएगा? चल जा। मुझे तलाक चाहिए। क्या क्या चाहिए? तलाक। चाय में दारू डाल के पिए क्या? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तो फिर मिली थी उससे? हाँ, कल रात को मिली थी। और मैं तुम्हारे और मेरे बीच के हर उस रिश्ते को खत्म कर देना चाहती हूँ जो जबरन और दिखावे का है। दादा वो गोलू फिर मेरे को साफ मालूम और बर्दाश्त नहीं होता। तीनों को मारेगा? हाँ, उन कुत्तों ने मेरी जिंदगी को नर बना दिया है। वो दो मेरे काम के हैं, क्या करूं, मजबूरी है। उसको बचाने दोनों बीच में आएंगे? नहीं आएंगे, मैं समझाएगा उन्हें। हाँ दादा। ए अभी हरी को लेकर फटाफट इधर को आ जाए, एक काम है। हाँ दादा, थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। जा उड़ा दे साली को। आजकल तेरी गिनती चिंदी चोर लोगों में हो रही है। अच्छा, इसीलिए खाली ग्रेट वाले लोगों को ही बुलाया। तेरी तो साले। सुनना, हम लोग मिलके आते फिर शाम को पीछे चलते। हाँ ठीक है, जब तक हम नहा लेते हैं। हाँ बना मसल्स बना, तभी मैं सोचूं साला साबुन इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाए। चल चल जाए, चलो चल। दादा दादा बताओ गेम क्या? साला अपन लोग किसी का जान क्यों लेता है? मरने वाले के साथ हमारा कोई दुश्मनी तो नहीं होता ना, फिर भी हम उसका जान लेता है काय को? पैसा का वास्ते है ना। लेकिन कभी कभी कोई बिना पैसे के भी मारता है। नहीं समझा? चल मैं तेरे को बोलता है, तू भुल्लर को क्यों मारा? क्यों मारा? क्योंकि उसने तेरे जिंदगी के रास्ते लगा दिए थे, तो तुझे हक था उसे मारने का। लेकिन कल को अगर तू किसी की जिंदगी के रास्ते लगाएगा तो क्या उसको हक नहीं होगा तुझे मारने का? नहीं होगा। ये बात और है कि कोई ऐसा करेगा नहीं, लेकिन उसको हक तो है ना। अब मैं तेरे को पूछता है, कल को तू शादी बनाएगा हा? और अगर तेरा औरत किसी दूसरे मर्द के साथ सोएगा तो तेरा दिल क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? टुकड़े बना देगा ना तू उसके? बनाएगा ना? हाँ दादा। तो फिर रोकड़े क्या गलत करने गया है? इसका मतलब दादा तुमने गोलू का सौदा कर दिया? और क्या करता है वो? मेरा सामान क्यों तोड़ा? मेरा सामान को बेइज्जत किया? साला प्यार का भूत सवार था सुअर के सर पर। कितना रोकूं मैं,
कितना रोकूं मैं रोकड़े को, पुलिस वाला है वो, हमारे लिए काम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे दरवाजे का कुत्ता है। साला, अपना औरत को गैर मर्द के साथ देख के हिजड़ा भी मर्द बन जाता है। वो तो तुम दोनों को भी मारने की बात कर रहा था। साला, मैं रोका उसे, मैं। दादा, आज तू गया दादा? नहीं हरी, नहीं, इसके बहुत एहसान है हम पर, अगर गोलू कुछ हो गया ना, सब कुछ खलास। चल हरी। उठा गोलू, फोन उठा साले, उठाना। मरेगा साला। ढूंढो उसको। जिंदा नहीं बचेगा तू, आज तेरी मैयत निकलेगी यहां से। उधर जा। नहीं अभी, मैं जानता हूं कि इसे जीने का कोई हक नहीं, इसे मारना मेरे लिए कितनी बड़ी बात थी, मगर जानते हो यह मर के भी नंदिनी को बदनाम कर देगा। लोग क्या बोलेंगे पता है? यार के हाथों मर्द को मरवा दिया, यही बोलेगी ना दुनिया। जब तक जिंदा था नंदिनी को आज तक खुशी नहीं दे सका, कम से कम इसके मरने के बाद तेरे साथ 4 दिन की खुशी बिताएगी वो। और एक बात सुन, तू तो इसे छोड़ रहा है, पूछे साले से ये छोड़ेगा तेरे को? नहीं, ये धंधे का एक ही उसूल है, जीने का तो मारो या तो मरो, अब तेरे ऊपर है। साला बात करता है। मैं पहले ही बोला था लेकिन तू सुना ही नहीं। सांप को कितना भी गोद में लेकर प्यार कर, वो काटेगा ही। अन्ना, जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा गलती हुआ मेरे से, लेकिन मैं छोड़ेगा नहीं, नंगा करके मारूंगा सालों को। दादा, दादा नागपाड़ा, धारावी, कोलीवाड़ा, इन जगहों पर अपने खबरियों को काम पे लगा दिए दादा, और उन लोग के एरिया में भी अपना बिल्डिंग लग गए। अच्छा है, वो
दोनों साइड से ही मरते, अपने से भी और पुलिस से भी। तरस आता है मुझे तुम लोगों की अक्ल पर। गैंगस्टर गुंडे मवाली मिलते हैं शादी करने के लिए, कोई शरीफ नहीं मिलता। शरीफ भी मिला था साहब, धंधे पे बिठा दिया। गुंडे ने शादी तो की, कुलकर्णी कुछ मालूम पड़ा? हर कोई मालूम नहीं कहता है भाई, है ना साले, फटती है सबकी उनसे। कुलकर्णी वो भाई इसलिए बनते हैं कि हम उन्हें अपने कंधे पर लेके घूमते हैं। अगर हम बाप बनकर उन्हें सही टाइम पर ठोकते तो वो भाई नहीं बेटे बन के रहते। कुलकर्णी मैं सिर्फ पगार लेने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं हुआ हूं, इंसानों को ठोकने के लिए हुआ हूं। और देख लेना, एक एक करके उड़ाऊंगा सालों को। साहेब ये रोकड़े साहेब की बीवी है। पुलिस वाले की बीवी होकर गुंडे के साथ सोती थी, शर्म नहीं आई तेरे को? अगर तुम बीवी के होते हुए रोज रोज दूसरी औरतों के साथ सोकर आओगे तो तुम्हारी बीवी क्या करेगी? मेरे पे जाती है। कुलकर्णी, अगर एक हवलदार भी मरता है तो मारने वाले को मार के रख देते हैं। यहां तो इतने सारे लोग मारे गए हैं, वो भी सरेआम। अगर अपने आप को बचाना चाहती हो तो गोलू का पता बता दो। बोलो किधर किधर मिलती थी उससे? तेरे ही चक्कर में रोकड़े मरा ना। किधर छुपाए हो कुत्ता? यार के साथ मिलकर पति को मरवाती है। बोलो किधर किधर मिलती थी उससे? बोल। मर्द को खा गई। बोलो कहाँ है तेरा यार, किधर जाएगी उससे मिलने? बोल नहीं तो। अब क्या करें सर? लगता है नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, हॉस्पिटल भेजो इसे। यस सर। हेलो। यस सर। सर आम दिन दहाड़े पुलिस वालों को भून दिया जाता है, और वो क्या नाम है उसका रोकड़े जिसकी मोटी मोटी खबरें अखबारों में छप रही हैं, उसकी वीरता के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि अंडरवर्ल्ड के साथ उसकी सांठगांठ। माफ कीजिएगा सर, अगर हमारा डिपार्टमेंट करप्ट है तो आप लोग भी कोई दूध के धुले नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सर कि हर पॉलिटिशियन या हर पुलिस वाला करप्ट है। जहां तक रोकड़े का सवाल है, उसे सजा कानून देता तो अच्छा लगता, ना कि ये दो टके के गुंडे। लेकिन पब्लिक की राय तुमसे बिल्कुल अलग है, वो तो रोकड़े के मरने से खुश है। आज तक देश में कितनी सरकारें बनी, क्या हर इलेक्शन में पब्लिक की राय एक जैसी थी? पब्लिक की राय बदलनी पड़ती है सर। ऐसे माहौल में पब्लिक की राय बदल सकते हैं आप? यह सच है कि पब्लिक इस सिस्टम से परेशान है, लेकिन पुलिस अकेली इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जरा सोचिए सर, कितने शर्म की बात है कि पुलिस पॉलिटिशियन से दबती है, पॉलिटिशियन इन गुंडों से डरते हैं, और इन गुंडों की फटती है हमें देख के। लेकिन बात फिर वहीं आके अटकती है, हम इन्हें पकड़ते हैं, लेकिन ये महीने या दो महीने में किसी राजनेता के सहारे
या बेल पर छूट जाते हैं और फिर शुरू होता है क्राइम। इन सब के चलते कैसे बदलेगा सिस्टम? अगर इस सिस्टम को बदलना है तो पुलिस के हाथ खोल दिए जाए सर। अरे वाह, ऐसा थोड़ी होता है। फिर तो पुलिस किसी को भी एनकाउंटर में मार डालेगी और बोलेगी वो तो गुंडा था। है पुलिस ने आज तक जिसका भी एनकाउंटर किया है उसका कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जरूर रहा है। हाँ, एक आध बार गलती हो ही जाती है। ठीक है ऑफिसर, जाओ और कचरे को साफ करो। जिंदगी किस मोड़ पे लाई है, हर तरफ मौत तन्हाई है। जिंदगी किस मोड़ पे लाई है, हर तरफ मौत तन्हाई है। अपने साए से डरते हैं, ये जीते जी भी मरते हैं। इन्हें खुद को भी जाने कहाँ ले जाए इन्हें जीवन का ये रस्ते। होश है ये बहते है कदम, अनजान है पथ, न जाने कहाँ ले जाए इन्हें जीवन का ये रथ। जल्दी जल्दी बोलो टका, क्या बात है? नहीं टाइम लेके बोलो। एक एक करके पुलिस सबको मार रही है। मालूम है फिर भी चुपचाप बैठा है। होम मिनिस्टर ने खुद ऑर्डर पास किया, मैं बोलेगा तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। देखो मैं ही जानता है मैं किस किस के सामने झुककर इधर तक पहुंचे। देवा रे देवा है परमेश्वरा, अब मैं फिर से नहीं बनता। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। बरोबर बोला है। नोरे आ गया तू? हाँ भाई। कैसे हो तीनों? बोला बोला। ये गड्डुल्ला कह रहा था तुम लोगों को पुलिस से बचाने का। ठीक है, मैं बचाएगा तुमको, मैं सब लफड़ों से। बांधा नहीं, गुलाम था, पर तुम लोगों को मेरा एक हुक्म मानना होगा, बचने का है ना। किसको टपकाने का? सोचो इंदौरी वामन। मेरे को बड़ा पीस मांगता है, बड़ा।
कौन है, देख साले को। ए, चला रे, मर गया साला। आते हरी, 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 ए गोलू, देख क्या हो गया उसको, देख, हरी उठ, नहीं, अरे नहीं हरी, हरी, नहीं हरी, अभी उठ, पुलिस है, हरी, अभी उठ, उठ ले, अरे उठ, मर जाए साले, गोलू छोड़ मेरे, पुलिस आई है, चल जल्दी, गोलू छोड़, अरे पुलिस आई है, चल मर गया नेड़ा, मरे ले आदमी को लात मारता था, उसको बोला था मैंने अपनी इसी आदत से तू मरेगा एक दिन, मर गया ना, मर गया गोलू, मर गया साला। शायद उसकी किस्मत में यही लिखा था, काय की किस्मत। अन्ना मर गया, मर गया अन्ना। मेरे को तुम्हारे दोस्त के मरने का बहुत दुख है, पर क्या करें, मरने वाला तो मर गया ना। अभी तुम अपना सोचो, सोचो, डरो मत। मैं दोस्ती करके पीछे से मारने वाला आदमी नहीं है। मैं तुम दोनों का सिंगापुर जाने का बंदोबस्त कर दिया। उधर नहीं जाने का साला, अगर गेम इधर बजा तो बिल अपुन के नाम का फटेगा। बात तो बराबर बोला भाई, तुम्हारा फोन। हेलो, इंदौरी बोल रहा हूं। क्या रे सड़ेले, 5 मिनट बाद फोन करने का है। अच्छा बोल, फिर तेरे को क्या करने का है, बोल बोल भाई। इधर कोई रास्ता निकालो ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। ए, चाबी दे, चाबी दे। ये मेरा कोलीवाड़ा वाले खोले का चाबी है, मैं किसी को देता नहीं, लेकिन तुमको दूंगा। रख 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 रख, जाओ तुम दोनों उधर जाओ, जाओ ऐश करो, जाओ जाओ। चल गोलू। क्या है रे? वामन दादा तेरे से मिलना चाहता है। ए, मेरे को किसी को नहीं मिलने का है। भाई, वामन आपसे मिलना चाहता है? हाँ, मेरे को मालूम वो क्यों मिलना चाहता है। वो तो मेरे को भी मालूम है, मगर आज की डेट में अपना वो क्या उखाड़ सकता है, फिर मिलने में क्या जाता है, कोई फायदे वाली डील हो गई तो। तेरे आदमियों को अन्ना के कहने पे मारा है, मेरे दिल में तेरे लिए कुछ नहीं था। वैसे मैं समझता कि जब तक अन्ना जिंदा था तब तक अपना क्रॉसिंग था। ये तू समझता है, लेकिन ऐसा मैं काय को समझूं? साला बोल के पीछे से मेरी बजाएगा तो। मैं इंडिया छोड़ के जा रहे, मुंबई तेरे को मुबारक। लेकिन मेरे को इधर काय को बुलाया? सौदा करने का है उन दोनों कुत्रों का, अवि और गोलू। तेरे को ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनको तेरे हाथ पे दे दूंगा? दो खोखा, उन लोगों ने मेरी डूबती नाव को सहारा दिया। 3 खोखा,
अगर वो लोग नहीं होते तो मैं ऐसे बिंदास नहीं घूम सकता था। 5 खोखा और साथ में नारकोटिक्स के धंधे का पूरा कंट्रोल। ऐ साला, चड्डी भी नहीं छोड़ेगा। चल दिया। ए इंदौरी रख दे, तू निकल। अब बोल। जवानी में हम लोग दारू कहां पीते थे? कोलीवाड़ा। जा उठा ले। लेकिन हां, तेरे को इतना यकीन कैसे था कि अपुन मान जाएगा? साला, जो अन्ना का ना हुआ वो किसी और का हो सकता है क्या? ये तो अपना नंदू है। तेरी तो साले मेरे को मालूम है, बोल मत। साला वामन कुत्रा, मेरे को डबल क्रॉस करता है वो। साला छोड़ूंगा नहीं उसे। दे गंदे, चल 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 साला। मैंने इतना किया तुम लोगों के लिए और तुम लोग मेरे साथ गद्दारी कर रहे हो। चल तात्या, दुश्मनी बुला दे और अपने पुराने दिनों की खातिर एक बार मिल। काय को सौदा करने का है तेरे से? मेरे को मालूम है तू वो दोनों के लिए मिलना चाहता है। मेरे से मिलके तू खुश होगा। बोल क्या बोलता है? ठीक है। हलवा समझाए क्या? मालूम था साला तू जात दिखाएगा, इसीलिए तेरा फोन टैप किया था। बता क्या सौदा हुआ? बताऊंगा, पहले बोल मारेगा तो नहीं? नहीं, पलटी तो नहीं मारेगा। तेरे जैसा समझा कुतरे, वादा किया तो पूरा भी करेगा। मैंने उन लोगों को तुम्हारा ठिकाना बताया, 1 घंटे बाद वो तुम लोगों को टपकाने पहुंचेगा, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोला। और बचाई क्या कुत्ते? लेकिन तुम लोगों ने वादा किया था। क्या करूं, तेरी हवा लग गई, तेरी कहानी तो खत्म। वामन, किधर है वो कुतरे? दोनों इधर ही जाए, निकलने का कोई रास्ता नहीं इन लोगों के पास। तगड़ी फील्डिंग लगा लाऊं। दादा दादा तुम गोदी जाओ ना दादा, तुम्हारे जहाज का टाइम हो गया, मैं इन दोनों को डाल के आता हूँ। नहीं नहीं दे, नहीं, जब तक मैं इन दोनों का मरा मुंह नहीं देखेगा तो ये देश छोड़ के नहीं जाएगा। कितना प्यार करता अपनी जान से, चला खेलते हैं।
ये साले पुल्लर के नाम। और ये रोकड़े के नाम पे। ये साले शेट्टी के नाम। और ये अन्ना के नाम पे। ये वामन दादा के नाम पर। नहीं रे गोलू, हम लोग नहीं मारेंगे, आने दे उस। दादा दादा इसके अंदर है वो लोग। कहां गए, किधर गए वो लोग? ढूंढो सब, कहां गए वो? कहां है? दादा दादा इसके अंदर ही थे वो लोग। तो फिर किधर गए? खलास मारो सालों को। साला ये बन गया मैं, तुझे मायला उड़ो सालों को। सयाने कौए अभी लगता है मेरा नंबर भी आ गया। ऐसा मत बोल कोलू, तेरे को बोला था ना मैंने, हम लोग नहीं मारेंगे। अरे तेरे मेरे बोलने से अगर जिंदगी और मौत के फैसले होने लगे ना, तो वो जो ऊपर बैठा है ना, उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। साले मोहरे बन के रह गए हम, कभी वामन के हाथ तो कभी तात्या के हाथ। मार मार के दिल मुर्दा हो गया, घिन आने लगी अपने आप से। एक भुल्लर को मार के किस पद पे आ गए हम? हर पद का एक अंत होता है, लेकिन इस पद का कोई अंत नहीं है। ए गोलू, अब नहीं चला जाता इस पद पे यार, थक गया हूं मैं।
भाग्य मैं यार। अभी चल गोलू, सरेंडर कर देते। एक और भुल्लर बाकी है साला, वामन राव मरेगा, वो भी साला मरेगा। ए! खड़ा हो, खड़ा हो। हमको मार दो, ये बचा लो, ये बोला था ना तू? आज तक किसी का नहीं सुना मैं, किसी का भी नहीं। बाप मानता था मैं अन्ना को, उसका भी नहीं सुना। और बचाया तुम लोग को, तुम लोग को बचाया, इसलिए रास्ते पर आ गया। अरे मैं रास्ते पे, शेर था रे मैं, शेर हर बार छाती पे झेलता था, लेकिन आज मैं ऐसा काम करने वाला है जो एक गीदड़ करता है। ये देश छोड़कर जा रहा है मैं, ये देश छोड़कर जा रहा है मैं, लेकिन एक कसम भी खाया है मैं कि जब तक तुम दोनों का मुर्दा मुंह नहीं देखेगा, देश छोड़कर नहीं जाएगा। ए अभी ये ले, मार दे साले को। ए गोलू, ए अभी, ए गोलू, तेरे को बोला था ना अपुन इतनी जल्दी नहीं मरने वाले रे। तू देश नहीं ये दुनिया छोड़ेगा, मरे ले को मारेगा। ए वामन चल, छोड़ा तेरे को। भाग गया गीदड़। ए गोलू, गोलू, ए गोलू, गोलू चल सरेंडर कर देते। ए गोलू, गोलू, ए गोलू, गोलू, ए गोलू, ए गोलू, नहीं गोलू, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। गोलू, गोलू, ए गोलू, उठा, ए गोलू। पुलिस चली गई। पुलिस गई, सह पुलिस गई, पुलिस गई, पुलिस गई। एसीपी पांडे का कचरा साफ अभियान जारी रहा, मगर कुछ बड़े लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था, लिहाजा उन्हें प्रमोशन देकर नागपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया। कुछ महीनों बाद मुंबई पुलिस को पता चला कि वामन राव दुबई में है। ये एक चौंकाने वाली खबर थी। मुंबई पुलिस और भारत सरकार इंटरपोल की मदद से वामन राव को भारत लाने का प्रयास कर रही है।